तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप SPPU वेबसाइट का यूज़ करते हैं एंड उसमें अगर आपकी वेबसाइट काम नहीं कर रही है, वेबसाइट में लोडिंग की प्रॉब्लम आती है या फिर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स करोगे। तो वीडियो को आप जो है पूरा ज़रूर देखिएगा। तो काफ़ी सारे लोगों की दिक्कत है कि आप बड़ी वेबसाइट जो है काम नहीं कर रही है या फिर काम करती है बट जो है ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, एरर आता है या फिर कुछ जो है मतलब आपकी लोडिंग वगैरह नहीं लेता है। तो सबसे पहले तो आप इंटरनेट कनेक्शन को चेक कर लीजिए, अगर आपका इंटरनेट सही से चल रहा है तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप जो है एक बार अपने क्रोम को बंद कीजिए, बैकग्राउंड से भी ऐसे मतलब मिनिमाइज़ कर दीजिए सारी एप्लीकेशन को और वापस से जो है आपके क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र को आप वापस से ओपन करेंगे तो आपको जो है एरर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से रिफ्रेश कीजिए वेबसाइट को, अगर वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा लोड हो या फिर काफ़ी सारे लोग एक साथ वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तो उस केस में आपको एरर देखने को मिलता है। तो थोड़े टाइम बाद जो है आप वेबसाइट को रिफ़्रेश करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अपने क्रोम ब्राउज़र को भी अपडेट करवा लीजिए, यहाँ पर देखिए अगर प्ले स्टोर पर आप चाहिए और यहाँ पर चेक कीजिए कोई अपडेट लिखा आता है तो आप इसे अपडेट एक बार करवा लीजिएगा, ठीक है। अपडेट करने से भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। बाकी यहाँ पर लॉगिन की इशू आती है तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट लॉगिन या फिर स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट करने वाली जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जो है यहाँ पर आकर मतलब रिफ्रेश वगैरह कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है आपका लॉगिन आईडी वगैरह सारा सही डालेंगे तो आपका ये लॉगिन आराम से हो जाएगा।